हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो छोटी आईसी वाला सेटअप बॉक्स होता है उसमें क्या होता है। दोस्तों, इसमें जैसे आप देख रहे हैं सिग्नल आ रहा है लेकिन कोई भी चैनल नहीं चलता है। ये देखिए, कोई सा भी चैनल नहीं चलता है, सिग्नल तो आ रहा है ऊपर नीचे देखिए, अच्छी खासी सिग्नल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए आप, सबसे पहले हम इस सारे चैनल को हम पहले डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये छोटी आईसी वाली जो सेटअप बॉक्स होता है ना उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो हम सारे चैनल को पहले डिलीट कर देंगे और उसके बाद फिर से ऑटो स्कैन करेंगे। ये देखिए ऑटो स्कैन कर देंगे तो ये सारा चैनल आ जाता है वापस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दोस्तों डीटीएस से रिलेटिव अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो बने हुए हैं पावर सप्लाई कार्ड रिपेयरिंग के ऊपर या सेटअप बॉक्स के ऊपर, तो आप उसे देख कर सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके सेटअप बॉक्स में आता है जिसमें जो छोटी आईसी वाला जो होता है सेटअप बॉक्स, जो इसका मदरबोर्ड होता है उसमें एक छोटी सी आईसी होती है, एक मदरबोर्ड होता है उसमें बड़ी आईसी होती है, तो दोस्तों जो छोटी आईसी होती है उसमें ये दिक्कत आती है कई कई बार कि सिग्नल तो आता रहता है, सेटअप बॉक्स में भी शो करता है अगर आप सिग्नल का बटन दबाएंगे, लेकिन चैनल नहीं चलता है, कोई ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, स्टार्टिंग में ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सारे चैनल को डिलीट कर देंगे और उसके बाद दोबारा ऑटो स्कैन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्कैन हो रहा है अभी, 51% हो गया है और कई सारे चैनल भी आ गए, 122 चैनल आ गया है। तो दोस्तों, तो आप देख ही रहे हैं, ये 57% हो गया है अब और 122 चैनल हैं अभी तक। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटी आईसी वाला सेटअप बॉक्स होता है ये काफ़ी स्लो स्कैन करता है और इसका जो चैनल का जो सीरियल होता है ऊपर नीचे होता है, जैसे कि और दूसरे जो बड़ी आईसी का सेटअप बॉक्स होता है कार्ड होता है उसमें सीरियल नंबर सही होता है चैनल का, एक से लेकर जैसे कि DD1 जो एक नंबर पर आता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे कहीं बंदे गुजरात आ रहा है तो कहीं कुछ आ रहा है तो कहीं कुछ आ रहा है, जो डीडी फ्री डिश का जो सीरियल नंबर होता है उससे मैच नहीं करता है दोस्तों। तो आप सबसे कहता हूँ मैं दोस्तों, जब भी आप सेटअप बॉक्स ख़रीदें तो आप कोशिश करें कि आप बड़ी आईसी वाला ही सेटअप बॉक्स लें, इसमें बहुत कम ही फॉल्ट आता है, ठीक है। छोटे वाले में काफ़ी दिक्कत आती है, हीट हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नो सिग्नल की, वीक सिग्नल भी काफ़ी आता है। तो ये देखिए दोस्तों, 90% हो गया और 148 चैनल आ गए हमारे इसमें, देखिए कितना स्लो कर रहा है, 3 मिनट के करीब हो गया है लेकिन अभी पूरा स्कैन नहीं हो पाया है। अब ये देखिए इस पर कितना, 99 हो गया है, 165 चैनल, लेकिन दोस्तों इसमें 148 चैनल आते हैं डीडी फ्री डिस्क के, लेकिन इसमें क्या रिपीट होकर 165 चैनल दिखा देता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब चैनल इसमें चल गया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप सारे चैनल को डिलीट करके दोबारा स्कैन करेंगे तो सारा चैनल चल जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। देखने के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।